हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैक्ट डॉट इन। कल वीडियो नहीं आ पाया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज था। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और ये 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो। एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिला, काफ़ी बोरिंग सा फेस था निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो। अभी कल है हफ्ते का लास्ट दिन, तो कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। अगर आपने हमारे लास्ट दो तीन वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो 100 DMA का लाइन है, ये एज अ सपोर्ट का काम कर सकता है। ऐसे हमने एनालिसिस किया था, जो कि अराउंड 17,600 के आसपास है। तो बार बार इस ग्रे लाइन को आके ये पेनेट्रेट कर रहा है, सपोर्ट टेस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो अगर 17,600 को रिस्पेक्ट करता है निफ्टी इंडेक्स, तो यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 600 अगर टूट जाता है, उसके नीचे कोई रेड कैंडल बनती है 600 के नीचे इस तरह से, तो यहाँ पर हमें और भी फॉल आता हुआ निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पर अगर 600 टूटता है, तो यहाँ पर ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है 50 DMA और 20 DMA का, जो कि अराउंड 17,550 के आसपास है। तो ये एक जोन है, यहाँ पर सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर इस जोन को रिस्पेक्ट देता है, तो ही हमें यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है। अगर हम आरली चार्ट को देखें, यानी 60 मिनट के चार्ट को देखें, तो ये मंडे का एक रेड कैंडल है 1 घंटे के चार्ट में। ये फर्स्ट कैंडल है ये इस वीक का 1 घंटे के चार्ट में। तो इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना बोरिंग सा फेज इस वीक में हमें देखने को मिल रहा है। ये जो रेड कैंडल बनी है, इसका हाई और लो ब्रेक जैसे ही होता है, तो हमें एक ट्रेंड निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो अभी कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल जो होगा, वो जो ये कैंडल है इसका लो, यानी 17,582, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी 17,563, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 17,542। और अगर ऊपर की तरफ आता है, तो ये जो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, उसके ऊपर आराम से आने दीजिए। क्लियरली इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 17,655, तो हम यहाँ पर एक बाई पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,676, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 17,703, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स हो गए। अभी बैंक निफ्टी पर चल जाए। बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट यहाँ पर देखें तो अप ट्रेंड बना हुआ है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। आज का भी बोरिंग सा फेस था बैंक निफ्टी में, लेकिन 1 मिनट के चार्ट को फॉलो करें तो आपको एक दो तीन ट्रेड और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो यहाँ पर कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल है, ये अराउंड आज का जो हाई बना है उसके आसपास होगा, 42,344। ये जो अपर बैंड है इस एक साइडवेज मोमेंटम का, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 42,415, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 42,498, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है, तो आज जहाँ से ये लास्ट रेड कैंडल बन के बाउंस बैक हुआ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा 42,109। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 42,038, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 41,955। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब का एक छोटा सा इंट्रो। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं, तो हमारी जो प्रीमियम मेंबरशिप है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, सपोज अगर आपको जीरोधा का अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, तो एक वेब पेज ओपन होगा। आपका नंबर यहाँ डालना है, कंटिन्यू करना है, तो आगे की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है, तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद हमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ये इस नंबर पे, ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।